हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन. चलिए आप सब भी बताइए कैसे हैं. महेंद्र, हेलो हेलो हेलो. मास्टर वंडरफुल सिबलिंग्स, हाय. कुणाल भारद्वाज, हेलो बेटा. महिंदर, आई एम फाइन. बिट्टू धैया, हेलो. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास. ओके, ये क्या है हमारा जो टॉपिक हम टू डेज से कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू करेंगे. क्या वो कौन सा टॉपिक था हमारा? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. आज हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है जो मैं आपको कराना चाहती हूँ. दैट इज स्टेप्स अक्यूरिंग इन न्यूट्रिशन, ठीक है. न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है और फूड किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स में, है ना. तो वो जो न्यूट्रिशन है उसके स्टेप्स क्या हैं? करें स्टार्ट. ओके, फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन. इंजेक्शन सुना है आपने, है ना. ये कुछ वैसा ही है. इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन्स, इंजेक्शन मीन्स इंजेक्शन का मतलब होता है कोई चीज इनटेक करना, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है न्यूट्रिशन का? इंजेशन. इंजेशन में क्या होता है? जब हम किसी फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन. सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, जो हमने पढ़ा था. क्या होता है डाइजेशन में? फूड इनटेक होने के बाद क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन. फूड के डाइजेशन के बाद क्या होता है? अब्सॉर्प्शन. अब्सॉर्प्शन, फूड का मोस्टली अब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. फूड के ब्रेकडाउन होने के बाद डिफरेंट एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं? हाँ, वो क्या होता है? अब्सॉर्प्शन, ठीक है. जब ब्लड वेसल्स में फूड का अब्सॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसे क्या बोलते हैं? अब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन. असिमिलेशन में क्या होता है? फूड के अब्सॉर्प्शन के बाद ब्लड से जब हमारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन. सेल जब उसको एनर्जी को इंटेक कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर लेते हैं, वो क्या होता है? असिमिलेशन. एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन मीन्स क्या होता है? इजेशन मीन्स जो फूड, जो वेस्ट फूड जो बच गया है, उसका बॉडी से बाहर निकलना, पास आउट होना, दैट इज कॉल्ड इजेशन. ओके, ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बस स्टेप्स को क्या करते हैं? आगे पीछे लिख देते हैं. और आपको ऐसे 1, 2, 3, 4 बताना है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा स्टेप है, एंड फोर्थ क्या होगा, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन, दैट डाइजेशन, देन अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन. यहाँ तक क्लियर है? करें आगे. yes,
मास्टर वंडरफुल सिबलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन? क्या पूछ रहे हो बेटा? करें नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी नोट करेंगे और लास्ट में क्लास के एंड में आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा. यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए. रीड कीजिए इसे और बताइए राइट आंसर क्या है. आप सब लिखिए अपनी नोटबुक में. ओके, लास्ट में हम देखेंगे किसका कितना स्कोर रहा. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अब्सॉर्बेबल कंपोनेंट इज कॉल्ड. ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है अब्सॉर्बेबल कंपोनेंट्स में. ऑप्शंस हैं डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, इंजेशन एंड एक्सक्रीशन, या फिर हमने क्या पढ़ा था अभी, इंजेशन. ठीक है, मास्टर वंडरफुल सिबलिंग ए, आरव कुमार ए, कुणाल भारद्वाज, महेंद्र, ईशांत शर्मा ए. वेरी गुड. राइट आंसर इज डाइजेशन. डाइजेशन ही तो वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है और लास्ट में अब्सॉर्बेबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है ना. अब्सॉर्प्शन में तो क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन होता है. इंजेशन में क्या होता है, फूड का इंटेक करते हैं हम, उसको बोलते हैं इंजेशन. और एक्सक्रेशन में वेस्ट फूड का पास आउट होना. ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, डाइजेशन. गॉट इट एवरीवन? ओके, योर नेम इज दक्ष. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या आएगा. क्वेश्चन क्या है, विच इज द पाथवे बाय विच फूड एंटर्स द माउथ एंड मूव्स आउट थ्रू एनस आफ्टर डाइजेशन. ऐसा पाथवे क्या होता है, रास्ता है ना, बाय विच फूड जिससे फूड एंटर करता है माउथ से एंड मूव्स आउट थ्रू आवर एनस आफ्टर डाइजेशन से क्या बोलेंगे. ऑप्शंस आर फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कैनाल. बताइए सभी. दक्ष ऑप्शन ए. ये कौन है, रिंकू सानवी पूनिया ए, महेंद्र ए, परवीन कुमार पांडे ए, काविर देव ए, ईशांत ए, कुणाल भारद्वाज ए. वेरी गुड, वेरी गुड. जल्दी से कमेंट कीजिए.
पाथवे पूछा है ना बेटा, जो कि माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस पे फिनिश हो रहा है ना, तो पूरा डाइजेशन का जो पाथवे है ये पूछा है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फूड पाइप किसको बोलते हैं? एसोफेगस को बोलते हैं ना, वो भी एक पाथवे है, लेकिन कहाँ से? माउथ से लेकर सिर्फ स्टमक तक। हाँ, इसमें एनस तक पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसको और क्या बोलते हैं? जीआई ट्रैक्ट, पढ़ा था ना हमने। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, टू पार्ट्स हम फिनिश कर चुके हैं, ओके, तो आप लोगों को वो क्लास भी देखनी है। ठीक है, आप लोगों ने जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, ये सारा हम कवर कर चुके हैं, तो दोनों पार्ट्स आप जाके देखिए, फिर यहाँ पर आकर क्वेश्चन कीजिए और देखिए आपका स्कोर क्या है। जीआई ट्रैक्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जहां पर एलिमेंट्री कैनाल ना लिखा हो वहां पर जीआई ट्रैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ओके, योर नेम इज सानवी। निशा यादव, हेलो। आरव कुमार, ऑप्शन सी। दक्ष, ऑप्शन सी। आरव कुमार सी। कुणाल भारद्वाज, क्या भेज रहे हो बेटा? काविर सी। ईशांत शर्मा सी, वेरी गुड। वट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें हम फूड को माउथ के थ्रू टेक करते हैं? ऑप्शन है डाइजेशन, असिमिलेशन, इंजेशन एंड इजेशन। देखिए राइट आंसर क्या है, इंजेशन। इंजेशन फर्स्ट स्टेप है हमारे किसका? न्यूट्रिशन का, है ना? न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। यही तो पूछा है कि टेकिंग फूड, माउथ से फूड को जब टेक करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर अब्सॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, और लास्ट स्टेप क्या है? इंजेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड? ओके, जब अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है बॉडी से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, कीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा। कुणाल भारद्वाज बी, आरव कुमार सी, आरव कुमार रोंग है बेटा, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। महेंद्र बी,
यस ईशांत शर्मा बी, कुणाल भारद्वाज एफ। आपका अलग ही चल रहा है बेटा। आरव कुमार बी अब बता रहे हो। आप बी लिख रहे हो, हाँ बी आएगा। एफ बाय मिस्टेक हो गया होगा। दक्ष बोल रहा है बी। इट्स ओके आरव। निशा यादव बी। देखिए क्या है राइट आंसर। इंजेशन। इंजेशन क्या है? लास्ट स्टेप है हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस का, है ना। असिमिलेशन कब होता है? डाइजेशन के बाद होता है। इंजेशन फर्स्ट स्टेप है। नन ऑफ दिस तो नहीं है, नहीं है ना। क्या आएगा राइट आंसर? इंजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बींग? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बताइए आप सब भी जल्दी से। बताइए बेटा। यस आरव कुमार डी। ईशांत शर्मा बी। बेटा ऑप्शन के साथ आप क्वेश्चन नंबर भी लिखिए कि आप कौन से क्वेश्चन का ये आंसर दे रहे हैं। दक्ष बोल रहा है डी। डी कैसे है बेटा? दक्ष बोल रहा है सी। निशा यादव बी। महेंद्र डी बोल रहे हैं। कुणाल भारद्वाज डी। दक्ष नॉट श्योर। ओके चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देखिए पहले क्या है। टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज एंड इंसुलिन। राइट आंसर इज टाइलिन। ठीक है। हमारी टंग में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड है माउथ में हमारी, है ना। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा निकलता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? वो है टाइलिन। पी साइलेंट है बेटा इसमें। ओके आंसर आएगा टाइलिन। इंसुलिन तो पेनक्रियाज में होता है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हाई लेवल को क्या करता है? लो करता है। और पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से इसका बताइए मुझे क्या आंसर होगा। पहले करने दो सबको। ठीक है लिखो जल्दी से। दक्ष बोल रहा है सी। ईशांत शर्मा ए। ईशांत क्या है? सिक्स क्वेश्चन का आंसर बोल दे रहे हो आप। साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखो। आरव कुमार सी। ओके नीतू वर्मा सी। महेंद्र सी। ईशांत शर्मा सी। पलक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
क्वेश्चन रीड करते क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ. इनमें से कौन सा टीथ का एक टाइप नहीं है. इंसीजर्स, कैनाइन, इनेमल एंड मॉलर. इनेमल. इनेमल इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ. इट्स अ पार्ट ऑफ टीथ बट इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टीथ. इनेमल क्या है, आउटर कवरिंग है. टीथ के ऊपर जो वाइट कलर की क्या है, आउटर कवरिंग है ना, दैट इज इनेमल. इनेमल इज ऑल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है. इंसीजर्स होते हैं टीथ का टाइप. कैनाइंस होते हैं मोलर्स. और एक और बताओ कौन सा रह गया. प्री मोलर्स. हाँ. ठीक है. पुनीत सिंह ले दिया आपका नाम. यस, लाइक द क्लास, लाइक एवरीवन, गो एंड लाइक द क्लास. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. हो गया सभी का. देर आर टू काइंड ऑफ टीथ, परमानेंट एंड टेम्परेरी. परमानेंट कितने होते हैं टीथ नंबर में, 32, और टेम्परेरी 20. टेम्परेरी टीथ को और क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ. यस. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. The large muscular organ that occupies most of the mouth is teeth, saliva, lips and tongue. बताइए. हर्ष. ओके हर्ष, आंसर बताइए क्या है. नाम तो ले दिया मैंने आपका. आरव कुमार डी, दक्ष डी, गगन. हेलो, आंसर बताओ गगन. पुनीत डी, पलक डी, नीतू वर्मा बी, काविर डी, महेंद्र डी. चलिए चलो आप बताओ मुझे. रौनक बताओ क्या है. टंग. ओके देखते हैं क्या है राइट आंसर. ओके राइट आंसर इज टंग. मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है. मस्कुलर ऑर्गन टंग. टंग मस्कुलर ऑर्गन है ना, जिसमें मसल्स प्रेजेंट होती है. That occupies, occupies मतलब हाँ सबसे ज़्यादा जो स्पेस लेता है, ऑक्यूपाई करता है हमारे माउथ में, वो क्या है, टंग. ठीक है. और बताओ टंग के बारे में. टंग इज द फास्टेस्ट हीलिंग ऑर्गन. यस. टेस्ट क्या होते हैं. चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ध्यान से करना. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली. यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग.
हमने देखा था ना कि टेस्ट बर्ड्स टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं. बताइए राइट आंसर क्या होगा. बताइए राइट आंसर क्या है. आरव कुमार सी, पुनीत सिंह डी, क्लासिकल आर्टिस्ट डी, नीतू वर्मा सी, ईशांत शर्मा सी. चलिए देखते क्या है राइट आंसर. राइट आंसर है सौर. देखो सबसे आगे क्या होता है, टिप पर क्या होता है. देखो ये क्या है हमारी टंग. टिप पर क्या है, स्वीट. नेक्स्ट बताओ फ्रंटल एज पर क्या है, सॉल्टी. यहाँ पर क्या होगा, सौर. सौर टेस्ट कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, और इसको बोलेंगे एज. इनको एजेस बोलेंगे, इनको फ्रंटल एजेस. और ये क्या है, बैक पैट. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शंस आर विंड पाइप, फूड पाइप, स्टमक एंड वॉइस बॉक्स. चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सभी. बहुत इजी क्वेश्चन है. अर्पित. ओके अर्पित, आर यू बॉय और गर्ल. काविर देव भी, ईशांत शर्मा भी, समर्थ. चलिए देखते क्या है राइट आंसर. राइट आंसर इज फूड पाइप. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना. किया था ना हमने इसोफेगस का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड पाइप. इसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट होती है नहीं, कोई सेक्रेशन नहीं होता एंजाइम्स का. दिस इज ओनली अ पासवे फॉर द स्वेलॉड फूड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड इन ह्यूमन स्टमक. ठीक है, स्टमक में कौन सा सेक्रेटिक जूस, सॉरी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है. बताइए HCl, बाइल जूस, ट्राइप्सिन एंड अमाइलेज. जल्दी से आंसर कीजिए. क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी कीजिए. आंसर दिस क्वेश्चन.
महेंद्र बी, अर्पित बी, चलिए वैभव बताइए क्या है राइट आंसर, आपने क्या किया? हाँ माइल जूस किया, माइलेज किया, माइलेज हमने पढ़ी है ए। ओके ओके चले देखते हैं, सिट डाउन एवरीवन। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। HCl है गैस्ट्रिक जूस जो कि कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में इसके अलावा और क्या होती है, पेप्सिन और रेनिन होती है ना, जो क्या करती हैं, हाँ। बाइल जूस कहाँ होता है, लीवर में होता है बेटा ये तो। अमाइलेज हमने अभी तो पढ़ा था, आप अमाइलेज बता रहे हो, अमाइलेज तो हमारी टंग में होता है ना। चलिए स्टूडेंट्स कल मिलते हैं 11:30, ठीक है। चलिए अपना स्कोर बताइए।